नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्त आज की वीडियो में हम आपको 10 ऐसे बेडरूम कलर प्रैक्टिकल तरीके से दिखाने वाले हैं जो कि आपके बेडरूम में चार चांद लगा देंगे। यानी कि यदि आप इन 10 में से किसी भी एक कलर को कराते हैं तो आपका जो बेडरूम है वो दिखने में बहुत ही खूबसूरत दिखेगा। तो चलिए एक एक करके हम आपको प्रैक्टिकल तरीके से दिखाते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से बस छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए, और यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आगे आने वाली अच्छी अच्छी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। फर्स्ट कलर की बात करें तो आप देख सकते हैं कि रूम की एक दीवार को ग्रे टेक्सचर कलर में पेंट करना है और बाकी बची हुई सभी दीवार को क्रीम येलो कलर में पेंट कर लेना है। तो आपका रूम कुछ इस तरीके से दिखने में बहुत ही प्यारा दिखेगा। आपको यह कलर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से जरूर बताइए। सेकंड कलर की बात करें तो आप देख सकते हैं कि रूम की एक दीवार को आपको चॉकलेट टेक्सचर कलर में पेंट करना है और बाकी बची हुई सभी दीवार को वाइट क्रीम कलर में पेंट कर लेना है। तो आपका भी बेडरूम दिखने में कुछ इस तरीके से बहुत ही प्यारा दिखेगा। सेकेंड कलर आपको कैसा लगा जरूर से जरूर बताइएगा। थर्ड कलर कॉम्बिनेशन की बात करें तो आप देख सकते हैं कि रूम की सभी दीवार को क्रीम कलर में पेंट कर दिया गया है। पेंट करने के बाद मेन बैकग्राउंड वॉल पे आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से डार्क येलो कलर की पट्टियां बना दी गई हैं। तो क्रीम कलर के बाद ये जो येलो पट्टी की डिज़ाइन बनी हुई है ये दिखने में बहुत ही अच्छी दिख रही है। तो आप भी इस आइडिया का उपयोग करके अपने बेडरूम को बहुत ही प्यारा बना सकते हैं। फोर्थ नंबर कलर कॉम्बिनेशन की बात करें तो एक दीवार आप लाइट ब्राउन में कर लीजिए और बाकी बची हुई सभी दीवार को आप क्रीम कलर में पेंट कर लीजिए। आपका रूम जो है वो दिखने में बहुत ही अच्छा दिखेगा। फाइव नंबर पॉइंट की बात करें तो रूम की एक वॉल में डिम लाइट ब्राउन कलर का उपयोग किया गया है और बाकी बची हुई सभी वॉल में डार्क पिंक लगा दिया गया, और रूम आप देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छा लग रहा है। हमने अभी तक आपको टोटल 5 कलर दिखा दिए हैं। इन 5 में आपको कौन सा पसंद आया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से जरूर बताइए। 6 नंबर पॉइंट की बात करें तो घर की एक वॉल को लाइट ब्राउन में पेंट करना है और बाकी बची हुई सभी वॉल को क्रीम येलो कलर में पेंट कर लेना है। तो रूम का ये वाला लुक आपको मिल जाएगा। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 7th नंबर पॉइंट की बात करें तो घर की एक दीवार को कुछ इस तरीके से फिरोजी कलर में पेंट करना है और बाकी बची हुई सभी वाल को येलो क्रीम में पेंट कर लेना है। 8th नंबर पॉइंट की बात करें तो एक दीवार को आपको ब्लू टेक्सचर में पेंट करना है और बाकी बची हुई सभी वाल को क्रीम में पेंट कर लेना है। 9th नंबर पॉइंट की बात करें जो कि बहुत ही प्यारा कलर है, इस समय बहुत ही क्रेज में चल रहा है, घर की एक दीवार को आप टर्मरिक करिए, यानी कि जो हल्दी का कलर होता है उस कलर में आप कर लीजिए, और बाकी बची हुई सभी 3 दीवार को आप क्रीम कलर में कर लीजिए। आपका भी रूम कुछ इस तरीके से दिख जाएगा। 10th नंबर पॉइंट की बात करें तो आप देख सकते हैं कि घर की एक दीवार को आप लाइट ब्लू में पेंट कराइए और बाकी बची हुई सभी वाल को वाइट ब्लू में पेंट करा लीजिए। तो ये वाला लुक आपको देखने को मिल जाएगा। और इन 10 कलर में यदि आप कोई भी कलर कराते हैं तो 100% गारंटी है कि आपका रूम दिखने में बहुत ही प्यारा दिखेगा। अभी के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए और अपने मम्मी पापा का अपने से भी ज़्यादा ख्याल रखिए। इसी भाव के साथ आप सभी से विदा लेते हैं। धन्यवाद।